सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज ये हमारी थर्ड क्लास है। इसमें हम पढ़ेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट। अब अलग अलग देशों को या अलग अलग राज्यों को हम किस तरह से कंपेयर करते हैं। यू माइट आस्क इट इफ डेवलपमेंट कैन मीन डिफरेंट थिंग्स, हाउ कम सम कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप्ड एंड अदर अंडर डेवलप्ड। अब आप एक सवाल करोगे कि जब अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का मतलब ही अलग होता है, तो आप कैसे कह सकते हो कि कुछ देश डेवलप्ड हैं या कुछ देश अंडर डेवलप्ड हैं, यानी अभी डेवलप होना शुरू नहीं करे हैं। तो कैसे डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि दोनों चीज़ अलग है। जैसे हम मैंगो और बनाना में कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों एक अलग फल हैं। हम ये तो कह सकते हैं ये आम ज़्यादा मीठा है, ये कम है, लेकिन इन दोनों की मिठास में कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि वो दोनों अलग चीज़ हैं। इसी तरह का से हम कह सकते हैं 12 सेंटीमीटर और 5 kg में कैसे कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों अलग यूनिट है। इसी तरह जब लोगों के लिए अलग है डेवलपमेंट का मतलब, तो कंपैरिजन हम कैसे कर सकते हैं। बिफोर वी कम टू दिस, लेट अस कंसीडर अनदर क्वेश्चन। इस पर हम बाद में आएंगे, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। पहले एक और सवाल उठता है, तो उस सवाल को देखते हैं क्या है। वेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स, दे कुड हैव सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। जब हम किसी चीज़ की तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो उसमें कुछ सिमिलैरिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है, और डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे। जैसे मैंने एग्जाम्पल जो दिया था मैंगो और बनाना का, तो उसमें सिमिलैरिटी अगर आप ढूंढना चाहें कि दोनों में क्या सेम है, तो आपको वो भी मिल जाएगी। वो क्या, कि दोनों ही फल हैं और दोनों के ही छिलके उतार कर खाया जाता है, चाहे वो बनाना हो चाहे मैंगो हो। ओके, कोई छिलके के साथ तो खाता नहीं, कोई खाता हो तो भाई कुछ और ढूंढो सिमिलैरिटी। डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे। डिफरेंस क्या हो जाएगा, दोनों का टेस्ट अलग होगा, और क्या होगा, हो सकता है उनका रेट अलग हो, कोई महंगा हो कोई सस्ता हो। तो ठीक है, डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे और सिमिलैरिटी मिल जाएगी। विच एस्पेक्ट डू वी यूज टू कंपेयर देम, हमें देखना है कि हमें काम कौन सा है, कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है, किस पहलू से हम देख रहे हैं। लेट अस लुक एट स्टूडेंट्स इन द क्लास इटसेल्फ, अपने क्लास में स्टूडेंट को ही देख लीजिए। हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स, अलग अलग स्टूडेंट्स को हम कैसे कंपेयर करेंगे। दे डिफर इन दियर हाइट, हेल्थ, टैलेंट एंड इंटरेस्ट। अब कोई होगा जिसकी हाइट ज़्यादा होगी, किसी की कम होगी, तो अलग अलग स्टूडेंट की हाइट में भी और उनकी हेल्थ में भी, सेहत में भी, और उनके टैलेंट और किस चीज़ में वो इंटरेस्ट लेते हैं, ये सब अलग होगा। द हेल्दीएस्ट स्टूडेंट मे नॉट बी द मोस्ट स्टडियस वन, हो सकता है जो सबसे ज़्यादा हेल्दी हो वो पढ़ाई में तेज़ ना हो, पढ़ता ना हो ज़्यादा। द मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट मे नॉट बी द फ्रेंडलीएस्ट वन, जो सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट होगा स्टूडेंट, हो सकता है वो बहुत अच्छा दोस्त ना हो, धोखेबाज टाइप का हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स, तो अलग अलग स्टूडेंट को हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं। सबकी तो अलग अलग अपनी प्रॉपर्टी है, अलग अलग उनके अंदर अच्छाई और बुराई है। द क्राइटेरिया वी मे यूज डिपेंड्स ऑन द पर्पज ऑफ कंपेरिजन, तो हम पूछेंगे भैया काहे लिए कंपेयर कर रहे हो, पर्पज तो बताओ, तो हम बताएंगे कि हाँ कैसे कंपेयर करना है। वी यूज डिफरेंट क्राइटेरिया चूज अ स्पोर्ट्स टीम। अब आपके स्कूल में कोई स्पोर्ट्स टीम बन रही हो, तो आप वहाँ क्या देखोगे, ये देखोगे कि उसके मैथ्स में कितने मार्क्स हैं या साइंस में कितने मार्क्स हैं, या फिर ये देखोगे कि वो किस स्पोर्ट्स में अच्छा खेलता है। अगर वो अच्छी बैटिंग कर लेता है, फॉर एग्जाम्पल अगर क्रिकेट टीम बन रही है, तो आप ये नहीं देखोगे उसके मार्क्स कितने हैं, बस उसको स्पोर्ट्स टीम में आप सेलेक्ट कर लोगे उसके स्पोर्ट की वजह से, उसके खेल अच्छा खेलने की वजह से। इसी तरह अगर डिबेट टीम होगी, तो वहाँ ये नहीं मतलब रखेगा कि कोई कितनी अच्छी बैटिंग करता है, वहाँ ये देखेंगे किसके पास नॉलेज कितनी है, कौन इतना अच्छा बोल सकता है डिबेट में। अब म्यूज़िक टीम, म्यूज़िक टीम में वही आएगा जिसकी म्यूज़िक अच्छी होगी। और अ टीम टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक, या कोई ऐसी टीम जो पिकनिक को ऑर्गेनाइज कर रही हो, पिकनिक के लिए प्लान बना रही हो, तो उसके अंदर जो अच्छी मैनेजमेंट स्किल होगी वो जाएगा। तो किस पर्पज़ के लिए आप सेलेक्ट कर रहे हो ये देखा जाएगा। स्टिल इफ फॉर सम पर्पज वी हैव टू चूज द क्राइटेरिया फॉर ऑल राउंड प्रोग्रेस ऑफ द चिल्ड्रन इन द क्लास, हाउ शैल वी डू इट। लेकिन उसके बाद भी अगर हमको देखना है कि नहीं भाई ओवरऑल बताओ कौन सबसे सही है, कौन सबसे बेहतर है और कौन नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल जो आपके क्लास का टॉपर होगा, हो सकता है उसके सारे सब्जेक्ट में मार्क्स सबसे ज़्यादा ना हो, किसी सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम हो, लेकिन उसका ओवरऑल सबसे ज़्यादा मार्क्स होने की वजह से उसने टॉप किया है। तो इसी तरह से हम कई खूबियों को मिलाते हैं और उसके बाद फिर हम देखते हैं। यूजली वी टेक वन और मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन एंड कंपेयर देम बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम एक से ज़्यादा खूबियों को लेते हैं और उसके बेसिस पे हम कंपेयर करते हैं। ऑफ कोर्स देयर कैन बी डिफरेंसेज अबाउट व्हाट आर इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट शुड
फॉर्म द बेसिस ऑफ कंपैरिजन। बिल्कुल डिफरेंस हो सकता है कि कौन सी चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कोई कहेगा ये वाली चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट होंगी और कुछ नहीं, तो हम कंपैरिजन के लिए कौन सी बेस बनाएंगे? फ्रेंडलीनेस एंड स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, क्रिएटिविटी और मार्क्स सिक्योर्ड। जैसे स्टूडेंट की बात कर रहे थे, तो आप देखोगे कि दोस्ती किसकी अच्छी है, अगर किसी को दोस्त बनाना होगा तो देखोगे हाँ कौन अच्छी दोस्ती निभा सकता है। तो स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन यानी कौन कितना सहयोग करने वाला है, साथ देने वाला है, कौन क्रिएटिव टाइप का है, नई नई चीज़ें उसके आइडियाज़ दिमाग में आते हैं, या उसके मार्क्स कितने हैं। दिस इज ट्रू फॉर डेवलपमेंट टू। डेवलपमेंट के बारे में भी ऐसा ही है कि कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी जिसको आपको ध्यान देना पड़ेगा और कुछ चीज़ें कम होंगी। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स। तो जब हम देश को कंपेयर करते हैं तो एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है देखने की, वही देखते हैं कि इस देश की कितनी इनकम है, क्योंकि अच्छी इनकम होगी तो अच्छा हॉस्पिटल बना पाएंगे, अच्छी सेहत, अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिल पाएगी, अच्छी एजुकेशन मिल पाएगी। तो हम कुल मिला के जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम देखते हैं एक देश के अंदर, वो क्या है कि उसकी इनकम कितनी है। कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। तो जिस देश के पास ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा पैसा होगा, वो ज़्यादा डेवलप कहलाएंगे। दिस इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल द थिंग दैट ह्यूमन नीड्स। ये सिंपल सी बात है समझने वाली कि अगर ज़्यादा पैसा होगा तो ज़्यादा वो चीज़ें खरीद सकते हैं जो इंसान को ज़रूरत पड़ती है। वॉट एवर पीपल लाइक एंड शुड हैव दे विल बी एबल टू गेट दियर गेट विद ग्रेटर इनकम। जो भी चीज़ इंसान चाहता है या उसके पास होनी चाहिए, ज़रूरी है, वो ज़्यादा इनकम की वजह से आप खरीद सकते हो। सो ग्रेटर इनकम इट सेल्फ इज अ कंसिडर्ड टू बी वन इम्पॉर्टेंट गोल। तो जो ज़्यादा इनकम का सवाल है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है जब हम किसी देश का कंपैरिजन करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द इनकम ऑफ द कंट्री। अब देश की इनकम क्या है, अब तो बोल रहे देश की इनकम, तो देश की इनकम है क्या? इंट्यूटिवली द इनकम ऑफ द कंट्री इज द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। तो जो इनकम है देश की ना, वो सिंपल भाषा में अगर हम कहें तो जितने लोग देश के अंदर हैं वो जितना कमा रहे हैं, सबका टोटल कंट्री की इनकम कहलाएगी। दिस गिव्स अस द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। हाउएवर फॉर कंपेरिजन बिटवीन द कंट्रीज टोटल इनकम इज नॉट सच एन यूजफुल मेजर। लेकिन अगर देश को कंपेयर करना है तो टोटल जो इनकम है ना, वो ज़्यादा इतना काम की आपको नहीं नजर आएगी। ऐसा क्यों? सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट लेट अस वॉट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। अब ऐसा इसलिए क्योंकि अलग अलग देश की पॉपुलेशन अलग होती है, तो उस हिसाब से इनकम, सही इनकम का आप पता नहीं कर सकते। यानी अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ज़्यादा कमाने वाले होंगे, लेकिन खर्चा भी तो ज़्यादा होगा, ठीक है? तो एक तरफ तो आप देख सकते हो कि हाँ इतने ढेर सारे लोग हैं, इतना ज़्यादा पैसा आ रहा है, लेकिन उतना खर्चा भी हो रहा है। तो पॉपुलेशन की वजह से आप सही अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कौन से कंट्री के पास ज़्यादा पैसा है। आर पीपल इन वन कंट्री बेटर देन बेटर ऑफ देन अदर इन द डिफरेंट कंट्री। क्या एक देश के लोग दूसरे देश में वालों से बेहतर हैं? हैंज वी कंपेयर द एवरेज इनकम विच इज़ द टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाई द टोटल पॉपुलेशन। तो हमने एक एवरेज इनकम का कॉन्सेप्ट लाया। ये क्या है कि टोटल जितना देश की इनकम है डिवाइडेड बाई पॉपुलेशन, जितने लोग रहते हैं उससे डिवाइड कर दो, एवरेज इनकम आ जाएगी। द एवरेज इनकम इज ऑल्सो कॉल्ड पर कैपिटा इनकम। इसी को हम पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं। इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट आउट बाय द वर्ल्ड बैंक दिस क्राइटेरिया इज यूज इन क्लासीफाइंग द कंट्री। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट एक बनाई गई जो कि वर्ल्ड बैंक ने जारी किया इसको, और उसने बताया कि हम कैसे पता करेंगे कि कौन से देश डेवलप है और कौन से नहीं। कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 12,056 US डॉलर पर एनम एंड अबव इन 2017, तो 2017 में जिन लोगों की साल भर की कमाई 12,056 US डॉलर है, उनकी पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज इनकम आर कॉल्ड रिच कंट्री, तो उसे हम अमीर देश कहेंगे। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ 955 US डॉलर और लेस आर कॉल्ड लो इनकम कंट्री। और जो कम इनकम वाले या गरीब देश, उनको कहेंगे जिनकी पर कैपिटा इनकम आपको 955 US डॉलर आएगी। इंडिया कम्स इन द कैटेगरी ऑफ लो मिडिल इनकम कंट्री बिकॉज इट पर कैपिटा इनकम इन 2017 वॉज जस्ट 1820 US डॉलर पर एनम। तो हमारा जो इंडिया है ना, वो थोड़ा लो मिडिल कह सकते हैं कि लो से थोड़ा ऊपर ही है, क्योंकि हमारी जो पर कैपिटा इनकम है वो 1820 US डॉलर है एक साल में। 2017 की हम बात करें, द रिच कंट्रीज एक्सक्लूडिंग
कंट्रीज ऑफ द मिडिल ईस्ट एंड सर्टेन अदर स्मॉल कंट्रीज आर जनरली कॉल्ड डेवलप कंट्रीज। तो अगर हम मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को हटा दें, इराक है, सीरिया वगैरह, ऐसे मिडिल ईस्ट की कंट्री को हटा दें और कुछ छोटे देशों को हटा दें, तो जितने भी बाकी रिच कंट्रीज बचते हैं उनको हम डेवलप्ड कंट्री कहते हैं। एवरेज इनकम, व्हाइल एवरेजेस आर यूज फॉर कंपैरिजन, दे आर आल्सो हाइड डिस्पैरिटीज। तो भैया एवरेज जो है वो बहुत यूजफुल आप मानते हो कंपैरिजन के लिए, लेकिन कुछ बुराई भी उसके अंदर छुपी है, वो क्या है इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर टू कंट्री, दो कंट्री हम देखते हैं ए और बी। आसानी के लिए हम मान लेते हैं कि वहाँ पाँच ही लोग रहते हैं, ठीक है। बेस्ड ऑन द डाटा गिवन इन टेबल 1.1 कैलकुलेट द एवरेज इनकम फॉर बोथ द कंट्रीज। तो दोनों कंट्रीज की एवरेज इनकम आप कैलकुलेट करिए। तो ये आपके पास मंथली इनकम है 2012 में। एक कंट्री ए है, वहाँ पर एक बंदा 9500 और ये सब वैल्यू कमा रहा है, ठीक है। दूसरा कंट्री है, वहाँ की वैल्यू आप देख लीजिए, ठीक है। अब दोनों का एवरेज निकालेंगे ना, तो दोनों का ही एवरेज 10,000 आएगा, ठीक है, कंट्री ए का भी कंट्री बी का भी। तो जब आप देखोगे तो लगेगा यार दोनों की पर कैपिटा इनकम तो बराबर है, तो यानी दोनों देश तो बिल्कुल एक ही जैसे हैं। विल यू बी इक्वली हैप्पी टू लिव इन द बोथ दिस कंट्रीज, क्या आप बराबर ही दोनों देशों में खुश रहोगे? भाई जब पर कैपिटा इनकम बराबर है तो दोनों देश एक ही लेवल पर होंगे, लेकिन क्या दोनों ही देशों में आप बराबर ही खुशी मिल पाएगी आपको? आर बोथ इक्वली डेवलप्ड, क्या आप ये कह सकते हो कि दोनों बराबर के ही डेवलप्ड हैं? परहैप्स सम ऑफ अस मे थिंक टू लिव इन कंट्री बी इफ वी आर एश्योर्ड ऑफ बींग इट्स फिफ्थ सिटीजन, बट इफ इट इज अ लॉटरी दैट डिसाइड अवर सिटीजनशिप नंबर देन परहैप्स मोस्ट ऑफ अस विल प्रेफर टू लिव इन ए। अब भैया बी वाले में आप देखोगे तो जो पांचवा सिटीजन है ना उसकी सैलरी देखो 48,000 है, तो आप चाहोगे भैया हम बी वाले में रहें पांचवें नागरिक बनके, यानी हमको 48,000 मिले। लेकिन अगर लॉटरी टिकट वाला सिस्टम हो कि भैया कौन सी कैटेगरी में आओगे, फर्स्ट सिटीजन का दर्जा मिलेगा कि सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ, तो आप कहोगे यार अगर पांच पर्ची में से तो आप देखोगे चार में तो 500 है और एक में ही सिर्फ 48,000 होगा, तो आपको ये डर होगा कि अगर किसी दूसरे वाले में आ गए फाइव के अलावा अगर कोई नंबर हमारा निकल आया तब तो हमको 500 ही रुपये मिलेगा। तो इसलिए आप कहोगे कि ऊपर वाला ए वाला ही ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनकी ऊपर की सब की सैलरी देखिए, जितने भी 1, 2, 3, 4, 5 हैं सबकी सैलरी लगभग आसी पास है। वहीं कंट्री बी में देखिए कि चार लोग की तो बुरी हालत है और पांचवा सबसे ज़्यादा अमीर है। इवन दो बोथ द कंट्रीज हैव आइडेंटिकल एवरेज इनकम, द कंट्री ए इज प्रिफर्ड बिकॉज इट हैज़ मोर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप देख रहे हैं दोनों की जो है पर कैपिटा इनकम या एवरेज इनकम बराबर है, लेकिन कंट्री ए ज़्यादा बेहतर माना जाएगा क्योंकि वहाँ पैसा बराबरी से बटा हुआ है। इन दिस कंट्री पीपल आर नाइदर वेरी रिच नॉर एक्सट्रीमली पुअर, ना ही यहाँ पर बहुत ज़्यादा अमीर है ना बहुत ज़्यादा गरीब है। ऑन द अदर हैंड मोस्ट सिटीजन इन कंट्री बी आर पुअर एंड 1% एक्सट्रीमली रिच। वहीं बी वाले में देखें तो उसके ज़्यादातर जो नागरिक हैं वो बहुत गरीब हैं, सिर्फ एक आदमी बहुत ज़्यादा अमीर है। हैंज़ वाइल एवरेज इनकम इज यूजफुल फॉर कंपेरिजन, इट डज नॉट टेल अस हाउ दिस इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये जो एवरेज इनकम है ये कंपेरिजन के लिए अच्छा तो है, लेकिन ये नहीं बताता कि कौन कितना कमा रहा है, किस तरह से पैसा बटा है। तो ये फिगर में आप देख सकते हैं कंट्री विद नो रिच एंड पुअर, वी मेड द चेयर एंड वी यूज देम। तो ये कह रहे हैं कि हमने कुर्सी बनाई और हम यूज़ कर रहे हैं, सब मिल बांट कर बैठ रहे हैं। कंट्री विद रिच एंड पुअर, जहाँ अमीर और गरीब हैं, ये कह रहे हैं वी मेड द चेयर एंड ही टुक देम, यानी चार कुर्सी भी आराम से लेटा हुआ है और हमको दो ही कुर्सी पे एडजस्ट करना पड़ रहा है। तो इस टॉपिक में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिए और वीडियो को शेयर करिए और फेसबुक पेज भी लाइक कर लीजिए। थैंक यू।